नमस्कार, कथक परिचय श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक आप हमारे कुछ कार्यक्रम देख चुके हैं, जिनमें आपने जाना कि कथक किसे कहते हैं, लीला का अर्थ क्या है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस श्रृंखला का उद्देश्य है कथक नृत्य से जुड़ी हुई तरह तरह की सामग्री से आपका परिचय कराना, आपकी योग्यता का विस्तार करना। जो नई जानकारी आपको हमारे कार्यक्रमों से मिले, उसे अपने अध्यापक से जरूर चर्चा करें, अपने विचारों से हमें जरूर परिचित कराएं। तो आइए अब चलें उमा शर्मा जी के पास और देखें वो अपने विद्यार्थियों से क्या चर्चा कर रही हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में तो मीरा और सूर और रसखान ने तो ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हैं कृष्ण के ऊपर, हालांकि खुद वो पठान थे, लेकिन मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मतलब अगर मनुष्य बने तो रसखान की इच्छा थी कि मैं वहीं जाऊं जहां कृष्ण थे। और फिर मीरा के तो भजन इतने मशहूर हैं, मैं तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, अनेको भजन लिखे और बहुत ही गाए जाते हैं। मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। तो उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं। ये सही बात है कि मीरा ने बिल्कुल अपने आप को कृष्ण के चरणों पर अर्पित कर दिया था। अब एक बड़ी छोटी सी कहानी है, वो सुनने लायक है जी। सुनाइए। चित्तौड़ में जब मीरा पहुंची तो कहते हैं कि वो इतनी विलीन हो चुकी थी और इतनी कृष्ण में समा चुकी थी कि उनको चारों तरफ सिर्फ यही ध्यान रहता था, इधर कृष्ण, इधर कृष्ण, इधर कृष्ण, चारों तरफ कृष्ण। वो कृष्ण के से प्रेम भी करने लग गई थी, कृष्ण के बगैर वो रहना भी नहीं चाहती थी। तो जब वो चित्तौड़ गई तो वहाँ पर वो नाचते 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 कहते हैं एकदम गिर गई और उनकी जो आत्मा थी वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो कृष्ण के बारे में क्या नहीं मीरा सोचती रहती थी। कभी कहती थी कृष्ण मेरे पास नहीं आते, कभी सोचती थी कृष्ण कहाँ है, फिर कभी सोचती थी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं आपसे कुछ और राज्यों के बारे में जानना चाहूंगी जहाँ मीराबाई जाने से मेरे को वहाँ का ज्ञान मिले। अच्छा, तुमको और कुछ जानना है मीराबाई के बारे में? तो तुमने ये जो मुझसे पूछा है, मीरा उन उन स्थानों में गई जहाँ जहाँ कृष्ण थे, और जहाँ जहाँ कृष्ण थे वहाँ वहाँ मीरा थी। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण ने जन्म लिया। मथुरा गई द्वारकाधीश के मंदिर में, वृंदावन के मंदिरों में वो जाती रही, फिर द्वारिका पहुँची गुजरात की तरफ, फिर वो पहुँची चित्तौड़, जयपुर। जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ पे उन्होंने गोविंद देव जी के सामने उन्होंने खूब नृत्य किया, गाती थी और नाचती रहती थी। फिर उदयपुर के पास में ही एक जगह है श्रीनाथ द्वारे, वहाँ पर भी मीरा गई। मतलब ये समझ लो कि जहाँ कृष्ण है वहाँ वो जाती रही। अच्छा, तो वहाँ जो म्यूजियम भी होंगे इन जगहों पे मीराबाई जी के, हाँ देखना चाहे। हाँ, चित्तौड़ में है, मथुरा में है, यहाँ पर कुछ कुछ हम लोगों को ऐसे ऐसे चिन्ह मिलते हैं। बल्कि एक मंदिर भी है मथुरा वृंदावन में, वो कुछ थोड़ा सा पुराना हो गया है, टूट भी गया है, लेकिन उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसकी स्थापना रहे। और जहाँ जहाँ मीरा जा चुकी है और जा सकी थी उन उन स्थानों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उमा जी, एक बात और है कि आपने मीरा की काफ़ी रचनाओं पर डांस किया है, जो उमा जी जब आपने चुनाव किया था उन रचनाओं का तो किन किन बातों का ध्यान आपने रखा? और हम उमा जी जरूर देखना चाहेंगे, आप हाँ, डांस जरूर देखना चाहें ना शिप्रा? नहीं, मुझे थोड़ा सा कुछ। मैं थोड़ा सा बताऊंगी जरूर, क्योंकि अभी हमारे सामने बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी मीरा आपने पूछा मुझसे कि मीरा को मैंने कैसे और उनकी कौन सी कविताओं को चुना। मैंने हमेशा ये देखा कि इसमें मुझे डिफरेंट मूड्स मिले और मैं फ़र्क ढंग से, अलग अलग ढंग से उस पर भाव बता सकूं। जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, अब इसमें वो बिल्कुल मस्त होके नाच रही है,
एक वो भाव है जो मस्ती का भाव है, और दूसरा वो शिकायत करती हैं, कौन सखी सो तुम रंग राते, हम उसो अधिक प्यारी, यहाँ पर शिकायत कर रही हैं। तो मुझे एक अलग मूड मिला, मैंने सोचा यहाँ पर मैं अलग ढंग से भाव बताऊं, एक शिकायत का भाव। बच्चे भी तो शिकायत करते हैं बहुत कि हमको मिठाई नहीं खाने को देते, ऐसी तरीके से कि वो कृष्ण मेरे पास में क्यों नहीं आते, क्या वो किसी और के पास जाते हैं, क्या उनको कोई और अच्छा लगता है, वो मेरे पास नहीं आते। तो इसी तरीके से फिर कभी कभी एक भक्ति रस में, और फिर कभी कभी एकदम वो कृष्ण में समा गई है वो वाला रूप। मीरा ने अलग अलग ढंग से कृष्ण को देखा, बाल रूप में भी देखा, और उनको उनसे श्रृंगार रस में भी चली गई, वो उनसे उनको चाहने भी लगी, इस तरीके से वो अलग अलग ढंग से चलती चली गई। तो मैंने कुछ ऐसी रचनाओं को लिया, जैसे वारी वारी श्याम हूँ वारी, थे आजो गली हमारी, इसमें कुछ ही पंक्तियों में मीरा अलग अलग अपने भाव को लेकर आई है। मुम्मा जी कुछ करके बता दीजिए, देखा भी, शिप्रा भी देखना, थोड़ा दिखाई दीजिए, मुम्मा जी थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, माँ बच्चे को हमेशा वारती है जी, ताकि उसको नजर ना लगे, है ना। तो बच्चे जो हैं वो मीरा का एक रूप बच्चों की तरह भी हो गया था, और वो खुद भी कृष्ण के पीछे पीछे जाती थी, कभी अपने आप को छोटा समझती थी, कभी अपने आप को बड़ा समझती थी, कभी कृष्ण को छोटा समझती थी, बाल रूप में देखती थी। तो
मीरा का एक वो रूप रहा। उमा जी आप ये बताइए कि आपने हमें बहुत सी ताले और लय बताई हैं। तो आपने किस लय में किस ताल में मीराबाई की जो कविताएं हैं उसको अपने नृत्य में ढाला? बहुत अच्छा है। मैंने तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं जानती हूँ कि तुमको ताल के बारे में बहुत बताती रहती हूँ इसलिए पूछती हो तुम। तो हर भजन को चुनते वक्त मैं उसका उसकी भावना को समझती हूँ, मीरा ने किस मूड में उसको लिखा और उसमें कैसी ताल होनी चाहिए वैसी ताल बनाती जाती हूँ। उमा जी एक बात और है, जो एक मीरा का जिक्र आता है तो राणा जी ने जो विष का प्याला मीरा को भेजा था पीने के लिए जब उसे बहुत तंग आ गए थे उनकी भक्ति से, उमा जी ये बच्चों में बहुत चर्चा का विषय है और हमको पता है कि आपने इस पे एक पीस भी बनवाया हुआ है। हाँ। बच्चों पर उमा जी हम वो देखना चाहेंगे। हाँ विष का प्याला तो मीरा के लिए भेजा गया था लेकिन मीरा तो अज्ञान थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि जो उन्हें प्याला भेजा गया उसमें विष है। इसका उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद रचा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे, पग घुंघरू बांध मीरा। ताल दो, तुम ताल के बारे में पूछ रही थी। बांध मीरा नाच रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे, नाच रे नाच रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे। लोग कहे मीरा भाई बावरे, लोग कहे मीरा भाई बावरे, सास कहे कुल नाश रे पग, सास कहे कुल नाश रे पग, घुंघरू बांध मीरा नाच रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाशी रे, पीवत मीरा हाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे, पग अच्छा। तो समझ में आ गया ना? तो भाव को बिल्कुल चेहरे से, आंख से और उसके साथ में हस्तक, उनके पदों के मुताबिक हस्तकों का इस्तेमाल करना ये बड़ा जरूरी है जब भी कोई। और ताल जैसे तुमने पूछा ताल को कैसे बनाना, अब इसमें कैसी ताल थी? वारी वारी बिल्कुल ठहरी हुई लय है और जब इसमें पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे, पग सब ताली बजाओ, नान मीरा नाच रे, नाच रे नाच रे, नाच रे नाच रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे, पग बारे में पता लग गया ना, समझ में आया? बिल्कुल समझ में। उमा जी ऐसा लगा नहीं, तुम्हें समझ में आया कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मीरा भाई खुद आ गई। अच्छा वैसे बहुत सोच समझ के जब भी किसी पद को चुनो या किसी भजन को सुनो या किसी रचना को लो तो उस रचना को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उसका मतलब क्या है, उसकी भावना क्या है कवि की और वो क्या कहना चाहती है या क्या कहना चाहता है। यही नहीं कि पढ़ लिया बस उसको नाचना शुरू कर दिया, ऐसे नाच नहीं होता।
बिल्कुल नहीं होता, उसको बहुत समझदारी से अपने दिलो दिमाग में उतारना चाहिए।